शिमला के पीटरहॉफ में सीबकथोन छरमा एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में वन विभाग और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के अधिकारियों की राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने खूब क्लास लगाई। छरमा पर प्रदेश में काम न होने से निराश राज्यपाल ने दोनों विभागों को जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिमला के बजाय किसानों के बीच जाकर इस तरह की गोष्ठियों को आयोजित करने की सलाह भी दी। औषधीय गुणों से भरपूर सीबकथोन पौधा सरकारी अधिकारियों की सुस्ती की वजह से भारत में अपना वजूद खोता जा रहा है। लगभग 30 सालों से पौधे के विकास और उत्पादन के लिए भारत में काम चल रहा है, लेकिन अभी तक व्यवहारिक रूप से इसमें कोई भी काम नहीं किया गया। सीबकथोन एसोसिएशन ऑफ इंडिया लंबे अरसे से पौधे के विकास पर काम कर रही है। सीबकथोन के उगाने की तकनीक और उसमें विकास को लेकर सीबकथोन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के साथ मिलकर शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें किसानों, कृषि विभाग, फॉरेस्ट विभाग और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वैज्ञानिकों ने पौधे पर हो रहे कार्य की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप पर उपस्थित हुए प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पौधे को लेकर भारत में हो रहे काम पर गहरी निराशा जताते हुए कहा कि छरमा विटामिन सी का भंडार है, सीबकथोन पर जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन ने इस पौधे की महत्ता को समझा है, लेकिन भारत अभी तक इसमें पीछे है। उन्होंने कहा कि छरमा सीमाओं पर लोगों को रोजगार का साधन बन सकता है और सीमा की सुरक्षा भी बनी रहेगी। यह पेड़ हमारे हिमाचल प्रदेश के सीमांत जो लाहौल स्पीति किन्नौर का क्षेत्र उसमें बहुत आयत में होता है और इसमें विटामिन सी इतना पर्याप्त मात्रा में है कि अनेक रोगों को ठीक करता है और हमारे जो सैनिक हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत योगदान करता है। इससे क्षेत्रीय जो किसान हैं उनकी आय बहुत बढ़ाई जा सकती है। हमारा पड़ोसी देश चाइना जो 250 प्रोडक्ट इसके तैयार करता है, तो आज हमने एक निर्णय लिया है कि पड़ोसी हमारा राज्य जो है लेह लद्दाख, उसमें लगभग 250-300 ऐसी फैक्ट्रीज लगी हैं जो इसके प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं, तो हिमाचल प्रदेश में कार्य होगा और हमारी पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी माननीय प्रोफेसर सरियाल जी कुलपति उपस्थित हैं। इसमें वो विशेष रुचि लेकर अगले कुछ दिनों में इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया जाएगा जिससे किसानों को रोजगार मिले, उनकी आय बढ़े और उस क्षेत्र का पलायन भी रुके। वहीं इस दौरान कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति अशोक सरियाल ने बताया कि विश्वविद्यालय पिछले 30 सालों से छरमा पर काम कर रहा है। सीबकथोन 5 से 6 फुट की ऊंचाई पर पाया जाने वाला एक बेहद ही गुणकारी औषधीय पौधा है। प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी ये पौधा काफी मात्रा में होता है, लेकिन किसानों की इसकी जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से इसका विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है जिससे इसका फायदा सीमांत क्षेत्र के किसानों को मिल सके। ये एक महत्वपूर्ण फॉरेस्ट श्रब है जो 4,500 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उगाया जाता है और ये ठंडे इलाके में -43 से लेकर +40 डिग्री टेम्परेचर में ग्रो करता है और इसका जो फ्रूट्स है, फल जो है, ओवल शेप और फ्लेम की रंग की तरह हुआ होता है। ये विटामिन, प्रो विटामिन, विटामिन B2 और सी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें अमीनो एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट बहुत मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राचीन समय से ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चाइनीज़, तिब्बतियन और इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका बहुत इस्तेमाल होता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।